हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक नंबर के साथ आया हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नए जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टडीपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, और साथ ही साथ इसमें मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप इसमें बिल्कुल भी इलिजिबल हो, और फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें इलिजिबल हो। बता दूं तो इसमें कुछ कंडीशन रखा गया है, आप सेलेक्टेड ब्रांच से हो तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपने गेट 2022 पास आउट हो तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो सेलेक्टेड ब्रांच कौन सा है। तो जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और सीएस से बीटेक किए हो वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, और जो लोग अदर ब्रांच से विजिट कर रहे हो वो लोग ओनली वीडियो को लाइक करो और आप लोग यहां से जा सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसमें सैलरी की बात करूं तो इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें जो आप पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के तौर पे जो उस समय आपको सैलरी दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में वो 54,800 सैलरी दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में, और फिर जब आपका ज्वाइनिंग फाइनल हो जाएगा तो उस समय जो आपका पेमेंट बनेगा 43,000 रुपया बनेगा, प्लस में डीए पीए एचआर ये सब आपको मिलने वाला है। तो अप्रोक्स आपका 60 के करीब में फाइनल सिलेक्शन में मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आप हमारे स्टडीपी चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी घंटे को दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों ये जॉब है रेगुलर जॉब है, तो जो लोग भी इस ब्रांच से बीटेक किए हो वो लोग जरूर से जरूर अप्लाई करो क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है। और मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अपने से भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ मैं उसके साथ अप्लाई का भी लिंक दे दूंगा। अब चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरेंगे, इन सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि गेट 2022 अगर आपने पास आउट किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऊपर में ही यहाँ पे इन्होंने लिख दिया रिक्वायरमेंट फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनर्स थ्रू गेट 2022 स्कोर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल कुछ दिया गया है तो ये सब जो चीज है आपको पढ़ लेना है, जो मेन चीज है मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का यहाँ पे रखा गया है 14/5/2022 तक रखा गया है, और साथ ही साथ मैं एज की इसमें बात कर दूं तो इसमें जो आपका एज होना चाहिए 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया, क्या क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जिनका भी गेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सीएस से अगर आपने गेट पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसी के लिए यहाँ पे 21 सीट यहाँ पे रखा गया है, और आपका बीटेक में 65% मार्क्स होना जरूरी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और वो जो डिग्री है आपका AICTE मानता होना चाहिए जो कि यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट से लिख दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैकेनिकल वालों के लिए 10 सीट रखा गया है, फिर यहाँ पे सीएस वालों के लिए 9 सीट यहाँ पे रखा गया है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टोटल जो सीट है यहाँ पे 40 सीट रखा गया है, तो सीट जो है थोड़ी अच्छी ठीक है क्योंकि टेक्निकल में ज्यादा सीट नहीं आता है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब आप मैकेनिकल से अप्लाई करोगे तो 2 यहाँ पे आपको डिग्री मिल जाएगा, जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तो उस समय आपका ये जो है अप्रेंटिसशिप के तौर पे आपको बहाली पहले किया जाएगा, उसके बाद उसी में आपका फाइनल सिलेक्शन ले लिया जाएगा। तो ये सब जो चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है तो आपको ये सब चीज पढ़ लेना है अपने से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65% मार्क्स आपका होना चाहिए इन सभी ब्रांच में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका सारे सेमेस्टर पास आउट रहना चाहिए, और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 64.99% भी आपका रहेगा तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपका 65% मार्क्स नेसेसरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब जो चीजें आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने आपको 44,000 ही बताया था, लेकिन यहाँ पे 54,880 रुपया आपको एक साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके तौर पे आपको स्टाइपेंड के रूप में पैसा दिया जाएगा जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और जो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 40,000 रुपया और फिर आपका यहाँ पे डीए बीए और एचआरए ये सब मिलेगा इसमें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सब जो चीजें आपको दिया गया है ये सब पढ़ लेना है।
तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैटेगरी वाइज कि कितने कैटेगरी में कितने सीट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 40 मैंने सीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूआर के लिए 20 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट, ओबीसी के लिए 13 सीट, एससी के लिए 3 सीट, एसटी के लिए यहाँ पे 1 सीट रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, जो लोग भी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको नॉन क्रीमी लेयर आपको सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है आप अपना देख लेना, ये सब जितने भी है ये सब चीज आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि गेट 2022 अगर आपने पास किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर, तो आपका गेट 2022 का स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू, यही दो ही चीज है। तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं होने जा रहा है, आपने अगर गेट पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और आपका ओनली पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही दिया कि गेट 2022 का स्कोर से आपका शॉर्टलिस्ट तैयार किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे देख सकते हो, ये सब जो चीज है ये सब, और जो फाइनल मेरिट आपका बनेगा गेट 2022 के आधार पे बनेगा, और साथ ही साथ जो पर्सनल इंटरव्यू में जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पे बनेगा, तो दोनों के यहाँ पे बनने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सब जो चीज है ये सब आपको अपने से पढ़ लेना है, जो भी चीज यहाँ पे दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको साथ में ओरिजिनल लेके जाना होगा, और इसका फोटो कॉपी भी आपको करवा लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज जो है यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जनरल कंडीशन दिया गया, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, तो यहाँ पे आप लोग जो एप्लीकेशन फी लगने वाला है 500 रुपीज लगने वाला है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपीज आपका एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही एक्सेप्टेड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये सभी चीज जो है यहाँ पे दे दिया गया है, तो आपको ये सब पढ़ लेना है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ इस मेल, कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वहां से आप अपना क्वेरी पूछ सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को अब नीचे ले चलता हूँ, तो ये सब जो चीज है आपको अपने से पढ़ लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन और ऑनलाइन का जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, और इस लिंक के बाद करियर सेक्शन में जाके ई रिक्रूटमेंट में जाके वहां से आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई का जो डेट है 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट जो है 14 तारीख रखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी चीज जो है यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के समय काम देगा। ये फोटो का साइज ये सब दिया गया है, तो ये सब आपको अपने से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैसे आपको पेमेंट करना है, तो ये सभी चीज आपको यहाँ पे देख लेना है। ये सभी चीज जितने भी है आपको ये सब चीज देख लेना है अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन जो डेट है शुरू हो चुका है 23 तारीख से, तो आप लोग जाके जल्दी से अप्लाई करो, और लास्ट डेट जो है इसका 14 तारीख रखा गया है। और यहाँ पे मतलब आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर जो होगा आपके मेल पे या मोबाइल नंबर पे आपके सेंड किया जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और फिर साथ ही साथ मैं आप लोग बता, तो इंटरव्यू का जो डेट होगा आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। तो ये सब जो चीज है यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब चीज आपको पढ़ लेना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को जो भी मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर इस जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने टीडीपी के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर जाके फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी का लिंक दे दिया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, तो हमारे इस टीडीपी चैनल पे ऑटो कैड का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से सिंपली देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाकर चाहते हैं स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।